हेलो स्टूडेंट्स, टारगेट एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हर रात 9 बजे हम 10 का दम लेके आते हैं, जिसमें सामान्य विज्ञान के हम ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आते हैं 10, जो कि पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं। कल हम एमएस एक्सेल के 10 क्वेश्चंस लेके आए थे, आज हम फिर उसी भाग में, भाग दूसरा यानी 10 क्वेश्चन और एमएस एक्सेल के लेके आए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को पूरा देखें। हमारा चैनल है टारगेट एजुकेशन क्लासेज, यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कीजिए। टारगेट है तो मुमकिन है, यदि हमारा कोई टारगेट है और हम इसके लिए प्रयासरत हैं तो हमें जरूर ही, निश्चित ही सफलता मिलेगी। यदि आपने बेल आइकन नहीं दबा रखा है तो बेल आइकन भी दबाइए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्रैक्टिस करिए, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे कंप्यूटर के या सामान्य विज्ञान के, उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे सफलता पाने के। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, ऑन एन एक्सेल शीट द एक्टिव सेल इज इंडिकेटेड बाय। तो एक्सेल शीट में सक्रिय सेल किसके द्वारा इंगित की जाती है? डॉटेड बॉर्डर, डार्क वाइट बॉर्डर, ए ब्लिंकिंग बॉर्डर, बाय इटैलिक टेक्स्ट। जो सक्रिय सेल है, किसी सेल में हम वर्क कर रहे हैं एक्सेल के अंदर, तो वो किसके द्वारा दिखाई देगी? डॉटेड बॉर्डर के द्वारा, यानी जो बॉर्डर होगा वो डॉट 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 होगा, या डार्क वाइट बॉर्डर होगा, या ब्लिंक बॉर्डर होगा, या इटैलिक टेक्स्ट होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर होगा एक डार्क वाइट बॉर्डर, आंसर बी जो है वो सही होगा। स्नैपशॉट भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो है आपको जो एक्टिव सेल है जिसमें हम अभी टाइप करने वाले हैं, तो इसके चारों तरफ आपको ये काले रंग का बॉर्डर दिख रहा है, इसको बोलते हैं डार्क वाइट बॉर्डर। तो करंट सेल में डार्क वाइट बॉर्डर से इंगित किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, इफ यू प्रेस द सेल एक्सेप्ट योर टाइपिंग एज इट कंटेंट्स। यदि आप दबाते, यदि हम कौन सा बटन दबाएं, तो सेल है वो आपकी टाइपिंग को कंटेंट के रूप में स्वीकार कर लेता है। टैब, कंट्रोल प्लस एंटर, एंटर, ऑल्ट एंटर। तो ये हमें बताना है, आपके पास 1-2 सेकंड है, रिप्लाई आप कर सकते हैं अगर आता है, या सोच के भी देख सकते हैं। तो जैसे ही हम कोई सेल में कुछ टाइप किया और जैसे ही हम बटन दबाते हैं, एंटर का बटन दबाते हैं, तो वो उसके अंदर कंटेंट स्वीकार कर लेता है, तो सही आंसर होता है एंटर। तो ये आंसर आपको याद रखना है, जो वर्क करते हैं एक्सेल पे उनको पता है, जो जिन्होंने वर्क नहीं किया है उनके लिए याद रखने की चीज़ है। पेन कॉपी साथ रखिए, नोट्स बनाते रहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आ सकते हैं एग्जाम में। तो देखिए, ये जो है स्नैपशॉट, ये यहाँ पर जैसे हमने कुछ लिखा, कुछ भी लिखा, और जब हम फिर एंटर दबाएंगे तो वो यहाँ पर फिर लिख जाएगा, और जो कर्सर है वो या तो नीचे आ जाएगा या फिर इधर बी की तरफ चला जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, विच फंक्शन इन एक्सेल टेल्स हाउ मेनी न्यूमेरिक एंट्रीज आर देयर। एक्सेल में कौन सा फंक्शन बताता है कि कितनी न्यूमेरिक एंट्रीज आ चुकी है? NUM, काउंट, सम, चेक सम। तो इसका जो सही आंसर है वो है काउंट। काउंट फंक्शन है, वो बताता है कि कितनी एंट्रीज, कितनी न्यूमेरिकल एंट्रीज जो आई है। तो आंसर बी इसका करेक्ट होगा। थर्ड क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में मैक्रोज की सॉर्ट की है। मैक्रोज, ऑल्ट प्लस F9, ऑल्ट प्लस F8, ऑल्ट प्लस F11, उपरोक्त सभी। तो मैक्रोज की सॉर्ट की है वो है ऑल्ट प्लस F11, सॉरी ऑल्ट प्लस F8 होगी इसमें, जो मैक्रोज की सॉर्ट की होगी वो होगी ऑल्ट प्लस F8। अब मैक्रोज क्या होता है वो डिस्कस करें, तो मैक्रोज क्या होता है, जैसे एक्सेल में हम वर्क करते हैं और डेली हम रिपीटेड कोई वर्क कर रहे हैं, ऐसा वो काम कर रहे हैं हम जो कि रिपीट हो रहा है बार बार, वही चीज़ हम बार बार कर रहे हैं, तो मैक्रोज क्या होता है, एक छोटा प्रोग्राम होता है, ये जब हम ऑन कर देंगे तो वो जो हम बार बार वर्क कर रहे हैं वो उसको रिकॉर्ड हो जाएगा एक्सेल में, और फिर हम मैक्रोज से रन करके वापस से वो कई बार भी रन करवा सकते हैं, हमें बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मैक्रोज ऑप्शन अवेलेबल होता है एमएस एक्सेल में, और शॉर्ट की होती है ऑल्ट प्लस F8। फिफ्थ क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में बनी फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट एक्सएलएस, डॉट एक्सएलडब्ल्यू, डॉट पीडीएफ, डॉट जेपीजी।
तो डॉट पीडीएफ तो पीडीएफ फाइल का एक्सटेंशन होता है, डॉट जेपीजी इमेज फाइल का एक्सटेंशन होता है, और सही आंसर इसका डॉट एक्सएलएस। ये आपके सामने स्नैपशॉट भी आ रहा है डॉट एक्सएलएक्स के साथ, तो आंसर इसमें ए बिल्कुल सही होगा डॉट एक्सएलएस। और ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे तो वर्ड के लिए हो, चाहे जेपीजी के लिए हो, चाहे एक्सेल के लिए, एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है एक्सटेंशन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एमएस एक्सेल की वर्कशीट में कॉलम व रो के मध्य खाने को क्या कहते हैं? स्क्वायर, क्यूबिकल, सेल, वर्कशीट। तो इसका जो सही आंसर है, कॉलम और रो के जो मध्य का खाना होता है उसको सेल कहते हैं। आंसर सी इसका सही होगा। एमएस एक्सेल में करेंसी ऑप्शन किस बार में होता है? फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, स्टेटस बार, फॉर्मूला बार। तो इसका जो सही आंसर है, करेंसी जो ऑप करेंसी ऑप्शन होता है फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर। तो आंसर ए इसका सही होगा। साथ साथ कमेंट भी करते रहिएगा और बताइएगा हमें कि आपके 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। एमएस एक्सेल में सॉर्ट ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? एडिट में, फॉर्मेट में, टूल में, डेटा में। तो जो सॉर्ट ऑप्शन होता है वो होता है, आंसर डी करेक्ट होगा इसका, डेटा के अंदर। आंसर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में फॉर्मूला एरर होने पर कौन सा साइन दिखाई देता है? अगर कोई हम फॉर्मूला लिख रहे हैं और वो एरर आ रही है, कोई भी एरर आ रही है, तो किस तरीके की दिखाएगी? डॉलर के साथ, स्टार के साथ या हैश के साथ? तो इसका करेक्ट आंसर है हैश। हैश के साथ ये दिखाई देगा। ये आपके सामने स्नैपशॉट भी है, यहाँ पर देखिए कुछ गलत है तो वो हैश हैश आ गया। तो ये हैश के साथ कुछ भी कुछ कोई भी फॉर्मूला एरर होगी तो ऐसे हैश 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 आ जाएगा, तो वो हमें फिर सही करनी पड़ेगी। नाइन्थ क्वेश्चन है, सेल में करंट डेट इंसर्ट करने की शॉर्ट की है? कंट्रोल प्लस सेमी कोलन, कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस स्लैश। तो करंट डेट इंसर्ट करने की जो शॉर्ट की है, करंट डेट मीन्स अगर हम ये कंट्रोल प्लस सेमी कोलन दबाएंगे तो जो भी करंट डेट होगी, आज की डेट है तो आज की इंसर्ट हो जाएगी, कल की डेट है तो कल की जो भी करंट डेट होगी वो इंसर्ट हो जाएगी। तो इसका आंसर रहेगा ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी लिख लीजिएगा जरूर से। करंट वर्क बुक में नई शीट इंसर्ट करने की शॉर्ट की है? करंट बुक है, वर्क बुक है, इसमें नई शीट इंसर्ट करनी है। F11, कंट्रोल प्लस F11, शिफ्ट प्लस F11, ऑल्ट प्लस F11। तो इसका जो सही आंसर है वो है शिफ्ट प्लस F11। अगर हम दबाएंगे तो नई शीट इंसर्ट हो जाती है। क्या है शीट इंसर्ट वो हम देख लेते हैं। जैसे बाय डिफॉल्ट कल हमने क्वेश्चन किया था कि 3 सीटें आती है, सीट 1, सीट 2, सीट 3। अब हमें नई सीट इंसर्ट करनी है, तो जैसे हम सीट शिफ्ट F+1 दबाएंगे तो यहाँ पर या बीच में या इधर साइड में एक नई सीट आ जाएगी, सीट 1, सीट 2, तो सीट 4 आ जाएगी। फिर से हम दबाएंगे तो सीट 5 इंसर्ट हो जाएगी। तो ये आज के 10 क्वेश्चन थे। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमेशा जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है, हमारी सोच पर निर्भर करती है। अगर हम मान लो तो हार है, और मान लो तो ठान लो तो जीत है। जीत के अगर साथ तैयारी करोगे, जीत की सोच के अगर साथ तैयारी करोगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। आधे अधूरे मन से काम करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। जीत के साथ ही तैयारी कीजिए। इसी के साथ टारगेट एजुकेशन क्लासेज की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सेल के ही अगले 10 क्वेश्चन के साथ। लगभग 100 क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन एक्सेल से मिस नहीं हो जाए। एक्सेल के ऐसे क्वेश्चंस हम करेंगे जो कि एग्जाम में हमें मिले ही मिले। कंप्यूटर अगर स्ट्रांग हो गया तो हमारे लगभग 5-4 क्वेश्चन कंप्यूटर के स्ट्रांग हो जाएंगे, तो हमें बहुत अच्छे मार्क्स हम स्कोर कर सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।